आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी क्रम में आज नोएडा प्राधिकरण द्वारा पिंक मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो नोएडा वासी है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो महिला बुजुर्ग वह जो बच्चे हैं सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि नोएडा के सेक्टर स्थित नोएडा स्टेडियम में यह पिंक मैराथन का आयोजन किया गया जिसके बाद जो सैकड़ों शहर के महिला बच्ची वह जो तमाम लोग हैं इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ ही इस आयोजन को करीब सुबह 7:30 बजे चालू कर दिया गया था। इसमें 3 वर्ग में रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले चरण में 16 वर्ष के बच्चे व दूसरे चरण में 30 वर्ष के बच्चे जो महिला है उन्होंने इस रेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ जो हर वर्ग की महिला मौजूद है, वही कुछ महिला ऐसी है जिन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ एंड हुई वहाँ तक मैं पूरा चली। मैं रोज 3 किलोमीटर चलती हूँ और मेरी उम्र 69 ईयर्स ओल्ड है। मैं अपने कॉलेज वनस्थली में भी भागती थी और मैं लगातार अपने सेक्टर में भी घूमती हूँ। मैंने एक दिन भी ड्रॉप नहीं करती घूमना। यहाँ से मैंने दौड़ लगाई है, चिंतन आज वुमेन इंटरनेशनल डे है, उसका सम्मान उसके लिए सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आज सीनियर सिटीजन 50+ 60+ मैंने लोगों को देखा है काफी अच्छे से दौड़ लगाते हुए, पूरी 2 किलोमीटर की सभी ने दौड़ लगाई है, उसमें से मैं नोएडा का तो इसमें कम से कम 200 विकास है। मैं समझता हूँ नोएडा का विकास चल नहीं रहा, बिल्कुल मैराथन की तरह दौड़ रहा है। इसमें चारों शहर की हर वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहीं जो लगभग 50 से लेकर 60 वर्ष की वर्ग की जो महिला है उन्होंने भी यहाँ पे हिस्सा लिया है और करीब 3 से 4 किलोमीटर की रेस भी लगाई है। सभी एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।